I have someone with me who is a hero of the day. This was one of the persons, Vishnu, who was, you know, who did not wait for the NDRF and SDRF teams to come and rescue. He himself jumped into the river and started rescuing. The incident happened at 6:30 p.m. and this gentleman here with me jumped into the river at 6:40 and he has saved many lives. The hospital nursing staff has also told me, आपका नाम क्या होगा बताइए. जय हिंद. मेरा नाम खामड़िया जिग्नेश लाल जी भाई है. जिग्नेश जी, आपका शुक्रिया पहले मैं करना चाहूंगी एनडीटीवी के सभी दर्शकों के साथ में कि आपने रेस्क्यू टीम के आने का भी वेट नहीं किया और आपने खुद ही बचा लिया. कितने लोग वहां पे मौजूद थे, कितनी आपको शव या डेड बॉडीज दिखी बताइए. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं और मेरे लड़के जो ट्रेनिंग करके रूटिंग, हम मैं फ्री में आर्मी सेवा देता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो इन लोगों को दौड़ा के मैं आ रहा था. मयूरपुरी से मैंने देखा बहुत सी भीड़ देख रही है सामने. जैसे मेरी नजर झूलता पुल पे ऊपर पड़ी, वो आधा टूटा हुआ था. मैंने अपने लड़कों को बोला जितना फास्ट दौड़ सको दौड़ो और जल्दी से पुल पे पहुंचो. पुल पे गए तो जो लड़के तैर सकते थे उनको मैंने बोला सीधा दौड़ो कूद जाओ, और जो नहीं तैर सकते उसे बोला रस्सी फेंको. और मैं और ये मेरा लड़का दोनों जो ब्रिज टूटा हुआ है वहां क्रॉस करके नीचे गए. कितनी जाने आप लोग बचा पाए बता पाएंगे? 80 से 90 हम जान बचा पाएंगे. 80 से 90 जाने आपने बचाई हैं, जिसमें छोटे लड़के और छोटी छोटी बच्चियां और लेडीज, जो जेंट्स नहीं, जेंट्स को हमने पहले लेडीज और बच्चे को बचाया, छोटे छोटे थे, और जो जेंट्स थे उसको हमने रस्सियां डाली जो पिछले वाला भाग था उधर से. बहुत बड़ी बात है, आपका दोनों का मैं एनडीटीवी की तरफ से शुक्रिया करना चाहूंगी. विष्णु, वी हैव अनदर गेस्ट. दिस इज द नर्सिंग स्टाफ हु वाज हियर एट द हॉस्पिटल व्हेन अबाउट नियरली 40 चिल्ड्रन वर ब्रॉट डेड. मैम, आपने बताया था कि आप यहाँ पे मौजूद थे और ऐसा कैजुअलिटी आप लोगों ने कभी मोरबी अस्पताल में देखा ही नहीं है. कितने बच्चों को, कितनी महिलाओं को किस वक्त पे लाया गया, आप थोड़ा बताइए. मुझे भी नर्सिंग स्टाफ बता रहे थे कि करीब 40 तो बच्चे थे जिन्होंने ब्रॉट डेड थे. 40-45 बच्चे थे जिन्हों को डेड बॉडी लेके आए थे, उसमें महिला भी थी कुछ. तो ये जो डेड बॉडीज थी मैम, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है एंड आई एम वेरी सॉरी आई हैव टू आस्क यू दिस बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे बच्चे जो थे तो बहुत खराब हालत में उनकी बॉडी, कंडीशन इतनी खराब थी, किसी का फेस भी अच्छा से नहीं दिख रहा था, वो फेस पे सब आ गया था, वो डेड बॉडी फूल गई थी, ऐसी सब कुछ थी. तो आप लोगों ने आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? डॉक्टर्स थे उस समय पे? डॉक्टर सब मौजूद थे वहाँ पे, सभी ने अच्छी ट्रीटमेंट की है, बहुत ज्यादा मेहनत की, प्राइवेट के डॉक्टर, यहाँ के सभी डॉक्टर ने सभी बहुत मेहनत की है. मैम आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. सो विष्णु, यू नो दीज आर एक्चुअली द पीपल वी शुड बी अप्रिशिएटिंग, द पीपल वी शुड बी थैंकिंग, बिकॉज द नर्सिंग स्टाफ have been working non-stop for the last 24 hours. These were the people who did not wait for the rescue teams to come. They jumped into the river to save as many lives as possible. And the government should really reward these people. But the question we are continuing to ask the government officials, the municipal corporation, or the entire administration from the ground is that where were they when so many rules were being flouted under their noses? Where were the government authorities? Where were the entire administration when the bridge was reopened for public without giving a certificate, without having any NOC, so to speak, Vishnu? This kind of incident could have been averted if the government would have been a little more responsible. But right now, what we know so far, that 134 people are dead.